चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग धम्मपद। धम्मपद का मतलब है पद माने होता है जो पैर जब कोई चलता है जो उसकी छाप होती है उसको पद बोलते हैं। और जब हम धम्म पद बोलते हैं तो इसका मतलब है कि जो धम्म की क्रियाएं हैं उसका मार्ग या उसका रास्ता या उसके पैर चिन्ह या उसके चिन्ह यानी उस मार्ग पे जाना या उस मार्ग की बात है। या पद अगर हम कमल बोलते हैं तो कमल का मतलब चिन्ह भी होता है पैर भी होता है और कमल चिन्ह भी बोलते हैं इनको और पद मार्ग भी बोलते हैं और पद दिखा भी बोलते हैं यानी कि जो पद हैं उनके हिसाब से देखना या उनको देखना या पद शिक्षा भी बोलते हैं सिक्खा भी बोलते हैं यानी पदन सिक्खा यानी उन पदनों की उन पदों की। तो यहाँ जो वो मार्ग है उसको पद बोलते हैं। बाद में जाके ये जो लिखित में जो भी होता है छंद होता है या कोई वर्सेस होते हैं या दोहे होते हैं या दो लाइन या तीन लाइन या चार लाइन या पांच लाइन होती है या कोई स्टंजा या कोई स्टोजी उसको भी पद बोला गया है। पर पाली भाषा में इसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है गाथा। गाथा और जो जिस कथा के ऊपर कहानी के ऊपर होता है उसको बोलते हैं कथा। यहाँ गाथा और कथा के नाम चलता है। गाथा का मतलब है जो गाया गया था यानी कि जो गाकर बताया गया या जो गुनगुना के बताया गया एक तरह से उसको गाथा बोलते हैं। बेसिकली जो गीत शब्द है अगर गीत का हम पाली में एक गीत की बात करें तो उसको बोलेंगे गीतो यानी कि एक पद है एक कोई संरचना है एक स्टंजा है कोई एक आयत है उसको बोलेंगे गीतो। और अगर बहुत सारे पद हैं बहुत सारे अगर स्टंजा हैं या बहुत सारा समूह है लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे गीता। गाथा और गीता एक ही बात है। तो जो अगर भगवान है वो बात बताई है भगवा की गाथा है या भगवा के गीत है या भगवा के गीता है या गीतो है तो भगवंत भी बोलते हैं और भगवा भी बोलते हैं भगनवान भी बोलते हैं भंगवान भी बोलते हैं भगवान भी बोलते हैं और भगवान भी बोलते हैं। उन सबके गीत या गाथा को भगवंतु या भगवंत गीता बोलते हैं यानी भगवा गीता या भगवंत गीता बोलते हैं। तो यहाँ हम धम्मपद को कह सकते हैं कि धम्मपद या भगवा गीत या भगवा गीता या भगवा गाथा। तो भगवा गीता या भगवा गाथा के नाम से भी ये प्रचलित हैं। अभी तो चूंकि ये जा चुके हैं इसलिए दोबारा से धम्मपद के नाम से आ रहे हैं मगर आप इसको बहुत सारे गीत या गाथा या गीता या गीतो या भगवंत या भगवान बुद्ध की गीता या भगवान बुद्ध के गाथा ऐसे इन नामों से पुकार सकते हैं बाद में जाकर। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं। आप YouTube पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.
साधु साधु साधु।